वेलकम यू ऑल, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे ब्रेटन वुड्स सिस्टम की। ब्रेटन वुड्स सिस्टम होता क्या है? द ब्रेकडाउन ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम इन द 1970 ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी एज ए डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ स्टडी। एक तरीके से 1970 में क्या होता है, जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम होता है वो टूट जाता है, और वो एक कारण होता है जिसकी वजह से हमारी जो पूरी व्यवस्था रहती है, विश्व व्यवस्था जो रहती है, इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से एक तरीके से टूट जाती है। देन हम बात करते हैं कि आफ्टर द वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929, ब्रेटन वुड्स की जो पहली बार जो बात होती है वो कब होती है, जब पूरा जो वर्ल्ड था एक डिप्रेशन से के दौर से गुजर रहा था 1929 में, एंड इनस्टेबल इकोनॉमी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर्स की वजह से जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही बिगड़ अस्त व्यस्त अवस्था में थी, ठीक है, बिगड़ चुकी थी। तो इस वजह से सीन्स 1945 द नीड ऑफ सिस्टम ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस वॉज रियलाइज। मतलब उस टाइम पे 1945 के बाद सब लोगों को लगा, हर किसी को लगा कि हमें एक वैश्विक तौर पे आर्थिक नियंत्रण की एक संस्था बनानी चाहिए। उसके बाद ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट साइन होता है और उसके क्या कहते हैं लोग उसको, उसके बारे में बात करने लगते हैं, और एक ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो है वो हमारे सामने आता है। इट वॉज एम टूवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग ए फ्रेमवर्क ऑफ नॉर्म्स रूल्स सो दैट स्टेट्स कुड कॉपरेट ओवर इकोनॉमिक मैटर। एक ऐसा ढांचा तैयार करना था जिसमें नियम कानून हो, जिस तरीके से जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, वो क्या करें, एक दूसरे के सहयोग करें। किस में सहयोग करेंगे? आर्थिक मामलों में वो लोग सहयोग करेंगे, ठीक है। अब कैसे बनता है मेकिंग ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस फॉर्मली नोन एज यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, इट वॉज हेल्ड इन 1944 एट न्यू हैम्पशायर, ब्रेटन वुड्स, USA। द कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडेड बाई 44 स्टेट्स जो थे उनके द्वारा इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया गया था। दिस कॉन्फ्रेंस एस्टैब्लिश थ्री बॉडीज। ये जो पूरा कॉन्फ्रेंस हुआ आपका न्यू हैम्पशायर में, जिसको कि यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के रूप में जाना जाता है, एंड राइट नाउ वी आर सेइंग दैट थिंग ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, हम इसे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। इसमें थ्री बॉडीज एस्टैब्लिश होती है इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। फर्स्ट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF 1947, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड बैंक June 1946, एंड देन लास्ट है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स, यानी GATT, जो कि आगे चल के आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानते हैं हम लोग, जो कि 1995 में चेंज हुआ, January 1948। इस तरीके से ब्रेटन वुड्स सिस्टम की देन क्या है, हमारे पास IMF है, वर्ल्ड बैंक है, GATT है, जो कि अभी भी चल रहा है। बट 1970s में मेनली माना जाता है कि द ब्रेटन वुड्स सिस्टम इज जनरली इंटरप्रिटेटेड एज सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक गवर्नमेंट्स कंस्ट्रक्शन टू सपोर्ट US हेजेमनी इन द पोस्ट वॉर एरा। ईच ऑफ द मेन ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, द वर्ल्ड बैंक, द IMF एंड द GATT, डिपेंडेंट अपॉन द यूनाइटेड स्टेट टू प्ले ए सेंट्रल लीडरशिप रोल।